नाम सतन चौंबे है और मैं एनजीओ युवा अरुणाचल का अध्यक्ष या प्रेसिडेंट हूँ। जैसे कि आज मैंने देखा है व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने देखा कि यहाँ तवांग में जो अभी इंडियन आर्मी के अंदर जो पोर्टर रिक्रूटमेंट हो रहा है, तो यहाँ इसको लेके ये थोड़ा सा यहाँ पे कंट्रोवर्सी और यहाँ पे कुछ रूमर बोलो या कुछ इश्यू जो अभी सोशल मीडिया में पूरा वायरल हुआ है उसको लेके मैं थोड़ा एड्रेस करना चाहूँगा। जैसे कि आज आप सबको पता है यहाँ पे पिछले 4 तारीख से तवांग में यहाँ पे पोर्टर रिक्रूटमेंट चल रहा है और इसके चलते यहाँ पे इनफैक्ट मैं बताऊँगा कि बहुत ही सक्सेसफुली अच्छा से कंडक्ट किया ये सीएम साहब के आशीर्वाद से। हम लोगों ने काफ़ी यहाँ हर डिस्ट्रिक्ट से, अरुणाचल के हर डिस्ट्रिक्ट से यूथ को मोबिलाइज़ किया है और ख़ास तौर पे इस बार ये सीएम साहब के डायरेक्शन और इच्छा अनुसार कि अरुणाचल का ही यूथ को यहाँ पे भर्ती होना है, तो इस हिसाब से हम लोग ने पूरा कोशिश किया है और हो भी गया है। आज लास्ट डे था यहाँ पे, तो लास्ट डे में यहाँ पे इतने दिन से यहाँ मौसम भी ख़राब होने के कारण यहाँ पे हमारे 1200-1300 बच्चे जो यूथ है जो हर जिले से आए थे वो लोग सब थोड़ा बहुत तकलीफ उनको सहना पड़ा है। तो मैं कहूँगा कि इसके चलते आज लास्ट जब डिस्ट्रीब्यूशन जो लड़कों को जो बैच वाइज टीम वाइज उनको आर्मी के हर बटालियन और यूनिट में जो डिस्ट्रीब्यूशन जो लिस्ट बनता है उसके हिसाब से काम करते वक्त यहाँ पे हमारे लोअर सुबनसिरी के हमारे भाई लोग थोड़ा बहुत उन लोग अपना इंक्वायरी के लिए आए थे, तो वहाँ पे हमारे जो यहाँ लोकल सिविल के तरफ से हमारे युवा बीच में थोड़ा सा किटपिट सा हो गया था, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था और सब जवान लोग हैं तो बीच में थोड़ा सा गर्म खून है तो थोड़ा बहुत बोला बोली होके लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत ठेला ठेली हुआ था। लेकिन इस बीच में हमारे बाकी भाई लोग हैं, यहाँ के फौजी भाई लोग हैं, उन लोगों ने रोक दिया है। तो मैं यही कहूँगा कि इस बात को लेकर ये काम के चलते भर्ती होने वाले जो हमारे भाई है उनके भी जोश है कि उनको भी काम पर जल्दी जाना था, तो वो लोग ने उन्होंने रिक्वेस्ट किया। उस हिसाब से हमारे जो भाई हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो लोग भी दिन रात काम करके सुबह 2-3 बजे तक नहीं सो के वो लोग कागज़ कार्रवाई काम रात को करते हैं, तो इसके चलते थोड़ा सा टाइम लग गया था। लेकिन इस बीच में थोड़ा सा बोला बोली होते हुए थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होके काफ़ी नाराज़गी आपस में हुआ था, लेकिन बाद में ये चीज़ को हम लोग यहाँ के पब्लिक लीडर्स है खास और मैं खुद वहाँ पर मौजूद था, तो हम लोगों ने मिल के दोनों ग्रुप को समझाया। इनफैक्ट हमारे तवांग के जो भाई है उन्होंने जाके पर्सनली अपने तरफ से सॉरी भी बोला है कि आप लोग इतना दूर से आया है, आप लोग से थोड़ा सा अगर हम लोग नहीं चाहता कि आप लोग यहाँ आके दुखी होके जाए, तो इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि काफ़ी कॉल्स आए सभी ने, बहुत जगह से लीडर्स लोगों का कॉल आया, MLAs लोगों का भी कॉल आया, क्योंकि ये बात जो है थोड़ा सा आउट ऑफ प्रोपोर्शन थोड़ा सा बहुत बड़ा बना के उन लोग ने फेसबुक और वहाँ पर वायरल कर दिया है। तो हम मैं भी यही मैसेज देना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमारे जो लोअर सुबनसिरी के भाई है उन लोगों जो जिसको यहाँ रहना था वो लोग रह गया काम पे और जिसको जाना था उनको भी हमने रोक टोक नहीं किया, उनको भी हमने जितना मदद हो सके किया। उनका प्रॉब्लम था, गाड़ी का प्रॉब्लम था, कुछ नहीं था, तो हमने यहाँ से बस यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट करके बस दिया है और साथ ही साथ यहाँ से रास्ते में खर्चे के लिए पैसे भी दिए और साथ में बोमदिला में आज रात का खाना, क्योंकि लाइन होटल सब बंद है, तो बोमदिला सर्किट हाउस में भी हमने रिक्वेस्ट करके आज रात का डिनर के लिए अरेंजमेंट के लिए बोला है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, प्लीज़ आप लोग ये सोशल मीडिया में जो ये कम्युनल कलर जो दिया जा रहा है निशी मोनपा के बीच में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे अपने अरुणाचल के ही भाई लोगों के बीच में छोटा सा किटबिट हो गया है और बहुत दिनों से काम कर रहा है, मौसम साथ नहीं दे रहा, तो थोड़ा बहुत रेस्टलेस और फ्रस्ट्रेशन दोनों साइड है, तो इसलिए यही था, एक छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग था, खराब नहीं पाना है। अभी आज सभी ने फ़ोन किया, सीएम साहब के ऑफिस से भी फ़ोन आया, यहाँ पे निशी स्टूडेंट यूनियन के लीडर्स तोपो तकम जी का भी फ़ोन आया, उनके बाकी वरिष्ठ लीडर्स है, सेपा के MLA है, वहाँ बामन का MLA है, हमारा होम मिनिस्टर बामन फेलिक्स सर जी है, सबसे बात हुआ मेरा, सबको मैंने पूरा कहानी A to Z बताया है। और मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट से लड़के आया हुआ है यहाँ पे, मैं ये भी करना जो निशी भाई लोग से मैं यही दरख्वास्त करना चाहूँगा, यहाँ पे कुरुंगकु में से, क्रा दादी से, इस कमिंग से भी यहाँ पे बहुत 100 से ज़्यादा लड़के आए हैं, उन लोग यहाँ पे भर्ती हो गया है, काम भी कर रहे हैं, तो इसलिए अभी मैं यही कहूँगा कि ये एक सिर्फ लोअर सुबनसिरी के भाई लोगों के साथ थोड़ा सा एक किटपिट हुआ है, इसलिए आप लोग प्लीज़ दिल से मत लीजिएगा, ये हमारे ये जवान लोगों के बीच में थोड़ा बहुत ऐसा हो जाता है, इसको बिल्कुल कम्युनल कलर नहीं देना है और हम लोग भी चाहता है कि हमारे अरुणाचल में भी ये भाईचारा हमेशा बना रहे।